हेलो एवरीवन, पूनम सुकरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मुरमुरा नमकीन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है, साथ ही 2 से 3 मिनट बन जाएगी और बच्चे भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मुरमुरा नमकीन बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 चम्मच यहाँ पे तेल ले लिया है। इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो देखिए, तेल गर्म हो गया है। इसके बाद मैंने इसमें मूंगफली डाल दिया है। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और इसे हम भून लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते हैं। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ये ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप इसे 3 से 4 मिनट भून लीजिए और देखिए कलर बिल्कुल आ चुका है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मूंगफली को निकाल लिया। अब इसी बचे हुए तेल में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 सूखी लाल मिर्च। तो इन्हें मैंने तोड़ लिया है और इस टाइम पे अपने फ्लेम को आप बिल्कुल लो रखिएगा। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ते लिए हैं। कड़ी पत्ते को डालने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, तो कड़ी पत्तों को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। कड़ी पत्ते को डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही इस पूरे रेसिपी को मैंने लो फ्लेम पर बनाया है। तो इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून डाल दिया है हल्दी पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। साथ ही यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और इसी के साथ 1/2 चम्मच यहाँ पे चाट मसाला डाल दिया है। तो 20 सेकंड तक हम इन मसालों को भून लेते हैं। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इन्हें भून लिया है। तो ये देखिए, इसके बाद मैं यहाँ पे 2 कप मुरमुरा डाल देती हूँ और इसे हम बहुत ही अच्छे से मसालों के साथ मिला लेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है, 2 से 3 मिनट में बन जाएगी और आप लोगों को ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। साथ ही आप इसे महीनों तक स्टोर कर एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस रेसिपी को बच्चे भी बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मुरमुरा को मसालों के साथ अच्छे से मिला दिया है। तो दोस्तों, हमें मुरमुरा को ज्यादा नहीं भूनना है, हम इसे जस्ट 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट के बाद देखिए, यहाँ पर मैंने नमक लिया है। तो इसमें हमें बहुत कम नमक डालना है क्योंकि मुरमुरा में भी पहले से नमक होता है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत ही कम नमक डाला है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने नमक को अपने मुरमुरे के साथ अच्छे से मिला लिया। इसके बाद जो हमने मूंगफली रोस्ट करके रखा था, इसे मैंने डाल दिया है और अपने मुरमुरे के साथ इसे अच्छे से मिला देते हैं। और मूंगफली को डालने के बाद अपने फ्लेम को बिल्कुल आप ऑफ कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा मुरमुरा नमकीन बिल्कुल तैयार हो गया है और मैंने यहाँ पे मुरमुरा नमकीन को सर्व भी कर दिया है। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है, 2 से 3 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। इस रेसिपी को बच्चे भी बना सकते हैं और ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं है। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है, आप लोग इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं अपने टी टाइम स्नैक में। तो अगर आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, साथ ही इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।